हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाले 4 साल के बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ती, जो कि बहुत ही इजी है इसे बनाना। और इसे हमने थोड़े से ही कपड़ों में बना लिया है, वो भी बचे हुए सूट के कपड़ों से हमने ये कुर्ती तैयार कर ली है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची है, उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत सा लुक देने वाला फ्रॉक लुक में है ये कुर्ती। और काफ़ी आसान है इसे बनाना, आप इजीली बना सकते हैं। और देखने में ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसे आपने घर में तैयार किया है या बाहर से ख़रीद के आए हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिए और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो हमारे वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आप इतना खूबसूरत सा लुक देने वाला ये कुर्ता तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस सुंदर सी कुर्ती को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 फैब्रिक हैं, अलग अलग कलर के हैं। कपड़ा सेम है लेकिन कलर अलग अलग है। ये हमने पहले भी सूट पीस तैयार किए थे, सूट उनके बचे हुए कपड़े हैं, और इनकी मदद से हम बहुत ही सुंदर 4 साल की बच्ची के लिए कुर्ती तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा डार्क वाला कपड़ा है, डार्क कलर वाला, इसकी ये जो लंबाई है थोड़ी कम है और येलो वाले की लंबाई ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये जो हमारा डार्क कलर का कपड़ा है इसे मैं ऊपर की साइड रखूँगी और येलो पार्ट हमारा नीचे रहेगा। ये देख सकते हैं आप, ये डबल हैं दोनों कपड़े और इनकी चौड़ाई डबल में मैं आपको बता देती हूँ 17 इंच है, 17 यानी 34 चौड़ाई है। तो मैं यहाँ पर 4 साल की बच्ची के लिए कुर्ती कटिंग करूँगी और उसके सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा येलो पार्ट है इसे हम इस तरीके से, ये हमारा सीधा भाग है, ये उल्टा साइड है, तो उल्टे साइड से भी हम निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। तो यहाँ से साइड से मैं इस कपड़े को हल्का हल्का इस तरीके से मोड़ते हुए रखूँगी। तो इस येलो कपड़े को मैंने इधर साइड से 6.5 इंच ये देखिए निशान करते हुए और इतने सही से यहाँ से हमने मोड़ लगा लिया है। और बीच से हमने कपड़े को मोड़ते हुए, यानी ये जो हमारा खुला साइड था ये इस तरीके से है, साइड में आएगा। तो ये कपड़ा की जो चौड़ाई है ये पूरी हमारी 17 है डबल में। और जिस बच्चे के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं उसका नाप सीने का 13 है, यानी इस तरीके से 6.5, अगर 1/4 भाग उसका करें हम तो 6.5 है। और यहाँ पे इस कपड़े की चौड़ाई हमारी 17 है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम साइड साइड से भी छोड़ते हैं सिलाई के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा कपड़े की जो चौड़ाई है ये 16 रखूँगी और ये है हमारा 17। तो दोनों साइड से आधे आधे इंच पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है, ये देखिए आप। और अब इस आधे इंच के ट्रिक को हम नीचे इस तरीके से चौड़े में ले जाएंगे, तिरछे में मिला लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये हमने इस तरीके से नीचे ले जाते हुए तिरछे में मिला दिया है। यानी ये जो कुर्ती है तैयार होने के बाद फ्रॉक वाला लुक आएगा, तो नीचे से इसका घेरा थोड़ा सा चौड़ा होगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से हल्के से तिरछे में दोनों साइड से कपड़े को कट कर लिया है। और ये जो बीच वाला भाग है, साइड में जो खुला भाग है, यहाँ पे हम इस कलर का कपड़ा बीच में जोड़ लगाएंगे, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक आने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसे हमें पूरे नीचे तक जोड़ लगा लेना है। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है लंबाई तो इतनी ही रहेगी और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 6 इंच लिए हैं, जिससे घेरा हमारा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फ्रॉक वाला लुक आने लगेगा इसमें। अब ये जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इसे भी हम सेम नाप का, यानी येलो वाला जितना हमने कट करके रखा है इतना ही इसे भी हमें रखना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मोड़ लगा लूँगी और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इधर साइड से इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को बराबर कट कर लिया है, दोनों साइड से हमने इसे कट भी कर लिया है। तो ये देखिए कपड़े को हमने बीच से मोड़ते हुए दोनों कपड़ों को रख लिया है, यानी ये कपड़े हमारे चौहरे में हैं और अब हम इस पर कटिंग करेंगे। तो शोल्डर होगा 4.5 पे, तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है।
और अब यहाँ से ये जो आर्मोल है ये भी हम यहाँ पे 4.5 रखेंगे, तो 4.5 पे हमने निशान लगा दिया है। और जो सीना है वो 6.5 इंच है, तो यहाँ पे 6.5 पे मैंने टिक कर दिया है। और इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ले लिया है सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। और गला 1.5 इंच से लगाएंगे हम, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 1.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है गले के लिए। अब गले की लंबाई आपको अपने हिसाब से रखनी है कम या ज़्यादा। तो हम 4 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं पीछे की लंबाई 2 इंच रखूँगी और आगे का 3 रखना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा लिया है और पीछे का 2 रखेंगे हम। और ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसे हल्का सा गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच पे कमर का नाप लगाएंगे निशान, तो ये है 4 इंच जहाँ से हमें कमर देख लेना है। तो कमर का नाप है 12 यानी कि 6, तो ये हम 6 पे इस तरीके से टिक करेंगे। और फिर ऊपर से पूरे 15 इंच पे लगाना है हमें हिप का निशान, सॉरी 13 इंच पे हमें हिप का निशान लगा लेना है। हिप का नाप भी है 13 इंच, तो ये मैंने 6.5 पे यहाँ पे टिक करेंगे, ये देखिए। और अब हम इस निशान को इस तरीके से, हमने जैसे जैसे मार्किंग की है वैसे वैसे इसे इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे ऊपर तक। तो ये देखिए पूरा हमने निशान इस तरीके से लगा लिया है। ये यहाँ से हम इसे ऐसे हल्का सा गोलाई लेते हुए ऊपर की तरफ कर देंगे। आगे और पीछे दोनों गला मैं गोल बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने गोल में एक तो 2 इंच पे निशान लगा लिया है और दूसरा मैंने 3 इंच पे लगा लिया है। और ये कुर्ती हम फ्रॉक की तरह बना रहे हैं, तो इसे हम ये कमर के बाद से यहाँ हिप के बाद से हम इसे इस तरीके से हल्का सा ऐसे तिरछे में ले आते हुए बस ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, फिर ये फ्रॉक वाले लुक भी आ जाएंगे हमारी कुर्ती में। तो बस अब इसी पे हमें कटिंग कर देनी है। अब ये देखिए आप यहाँ पे हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है, तो अब हम इसमें से इस तरीके से अंदर वाले भाग को निकाल देंगे और एक भाग को हम, ये जो गला हमने थोड़ा डिप किया है यानी ये आगे का भाग है, तो इसके गले को हमें थोड़ा और डिप कर लेना है। तो हमने यहाँ पे जो 3 इंच पे मार्किंग की थी यहीं से हम इसे गोलाई में कट कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर ली है, तो ये जो हमारा पीछे वाला भाग है इसमें मैं हल्का सा बीच में पीछे की तरफ हल्का सा कट करूँगी 1 इंच के लिए। और यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ 1 इंच पे इस तरीके से कट लगा लिया है। हम अपने कपड़े में अस्तर लगाने वाले हैं, तो बस सेम नाप का हमें अस्तर भी कट कर लेना है दोनों के लिए। और ये जो हमारा आगे वाला भाग है इसके लिए भी हम सेम नाप का ही अस्तर कट कर लेंगे। मैंने सारे कपड़ों के जो अस्तर थे सेम नाप के कट कर लिए हैं, और इसके अलावा हमने येलो कलर की थोड़ी सी पट्टियां भी कट कर ली हैं। येलो कलर की हमने उरेब पट्टियां कट कर ली हैं पाइपिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम सिलाई में जो नीचे वाला भाग है इसे तैयार करेंगे। तो ये हमारा सामने वाला नीचे का भाग है जो इस तरीके से खुला भाग है, इसमें हमने ये जो कपड़े लिए हैं लगाने के लिए इसे हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो अस्तर के साथ अच्छे से कपड़े को रख लेंगे, सेट कर लेंगे और फिर हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लगाएंगे, सिलाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े में जोड़ लगा दी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सेट हो चुके हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से दोनों सिलाई को आपस में मिलाएंगे और पीछे साइड से हम यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी सिलाई पे हम थोड़ी दूर तक सिलाई लगाएंगे, यानी इस तरीके से हमें लगा लेना है। तो इस सिलाई को हम ऊपर से 3 इंच तक सिलाई हमें यहाँ तक लगानी है। तो ये देखिए हमने 3 इंच तक सिलाई लगा ली है, इस तरीके से आ गया है। और अब अंदर की तरफ ये हम इसे इस तरीके से ऐसे बीचों बीच ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे।
तो बस कुर्ती का हमारा आगे वाला ये भाग नीचे का बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब कुर्ती के ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा, इन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों को हम उल्टे साइड से सबसे पहले कंधे को जोड़ लगाएंगे। आप चाहें तो कंधों को जोड़ने के बाद जिस बच्चे के लिए बना रहे हैं उसके गले में आप इसे डाल के नाप भी सकते हैं कि इजीली गर्दन में चला जा रहा है या फिर दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप गले को हल्का सा आगे का और ज़्यादा डिप कर सकते हैं। तो मैंने गले को आधा इंच और डिप कर दिया है और पीछे की तरफ ये जो हमने बटन के लिए भाग खोला था 1 इंच, इसे मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया, यानी 2 इंच पर मैंने ये कट लगा दिए हैं। और तीसरी बात हमने आपको बताया नहीं कि जब भी हम सूट या फिर ब्लाउज़, फ्रॉक कुछ भी सिलाई करते हैं तो आगे का ये जो हमारा आर्मोल होता है उसे हम हल्का सा गहराई में लेते हुए कट करते हैं। तो चलिए अब हम इसे हल्का सा गहराई दे देते हैं। तो इसे गहराई देने के लिए हमें सबसे पहले निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे हम हल्का सा इस तरीके से डिप करते हुए और इस तरीके से कट लगा लेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये प्रोसेस सिर्फ आगे वाले भाग में करना होता है, पीछे नहीं करना होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। और एक ज़रूरी बात, हम आज ये जो कुर्ती तैयार कर रहे हैं इसकी पूरी लेंथ हम जो तैयार कर रहे हैं वो 22 इंच तैयार कर रहे हैं। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा छोटा बनाना है तो कम लंबाई के कपड़े लीजिए या नीचे से आप कटिंग कर दीजिए, और ज़्यादा बड़ा रखना है तो लंबाई को आप बढ़ा भी सकते हैं। बट ये जो आज का हमारा ये कुर्ती है, ये तैयार होने के बाद पूरा 22 इंच लंबाई का तैयार होगा, जो कि 4 साल के बच्ची के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगर आपके पास नाप नहीं है बच्चे का तो भी आज के हमारे इस मेज़रमेंट के हिसाब से अगर आप कुर्ता तैयार करेंगे तो 4 साल के बच्चे को बहुत ही परफेक्टली ये तैयार हो जाएगा। और अब हम जो बैक साइड में पीछे कट लगाए हैं बटन लगाने के लिए, वहाँ पे इस तरीके की एक पट्टी लेंगे। तो हमारे अस्तर की जो पट्टी है उसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा चौड़ा सा कपड़ा ले लिया है, बीच से हमने कट जितना ही कट कर लिया है, नीचे की तरफ ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को, और साइड साइड से भी ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने पूरी सिलाई लगा ली है और अब हम इस पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे इस तरीके से पीछे की तरफ पट्टी को पलट दिया है, किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब अंदर की तरफ से ये जो हमारी कपड़े की ये जो चौड़ाई है, ये जो पट्टी है, इसे हम हल्का सा इस तरीके से मोड़ते हुए और किनारे किनारे पूरे में सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। और अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो हम सबसे पहले गले पे पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो ये देखिए, बैक साइड में हमने जो यहाँ पे बटन के लिए सिलाई लगाई थी, वहीं से हम अपनी पट्टी को, जो उरेब पट्टी है, इसे हल्का सा खींचते हुए और सिलाई लगाएंगे। और लास्ट में जो थोड़ा सा कपड़ा हमारा ये जो बचा हुआ है पट्टी का, इस पट्टी को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ते हुए और सिलाई लगा देंगे। तो ये पूरी सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है और अब हम इसे इस तरीके से पलटते हुए अंदर की तरफ ऐसे बीच से मोड़ेंगे इस पट्टी को, और फिर हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, पूरी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा गला बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम तरीके से ही पाइपिंग हमें ये जो कंधे हैं इस पे भी हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम बिना बाजू वाला ये कुर्ता तैयार कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से दोनों तरफ हमें बाजू में भी यहाँ पे पट्टी लगा लेनी है और फिर सिलाई करते हुए पाइपिंग बना देना है। तो अब ये देखिए, हमारा ऊपर वाला भाग बिल्कुल रेडी हो चुका है, पाइपिंग भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम ये जो नीचे वाला भाग है इसमें ऊपर वाले भाग को जोड़ेंगे। तो ये हमारा सामने वाला भाग है और हम इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे, यहाँ पे पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस हमें फिटिंग दे देना है अब इस कुर्ते को। तो ये देखिए, कुर्ते को हमने फिटिंग भी दे दिया है और नीचे से हमने इस तरीके से जो हमारे पास डार्क कलर वाला कपड़ा था उसका हमने उरेब पट्टी कट करके पाइपिंग लगा दिया है, जैसा हमने यहाँ पे गले पे और कंधे पे लगाया है इसी तरीके से पाइपिंग हमने पूरा नीचे में लगा दिया है। और बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है इस कुर्ते का हमारे। और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बटन बना लिए हैं,
जिन्हें मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ, ये देखिए आप। तो यहाँ पे मैं 3 बटन इस तरीके से लगा दूँगी और 2 मैंने येलो बटन तैयार किए हैं, इन्हें मैं यहाँ पे ऊपर में लगाने वाली हूँ, जिससे इस कुर्ते का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 1 बटन हम छोटे साइज़ का तैयार किए हैं और ये हमने इस तरीके से पतली सी डोरी सिल के इसे सीधा कर लिया है। इसे हम पीछे लगाएंगे फंसाने के लिए बटन में, ये देखिए यहाँ पे इसे हम बैक साइड में लगाने वाले हैं। इस बटन को मैं यहाँ पे लगा दूँगी और इसे इस तरीके से हम लगा देंगे और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये कुर्ता रेडी हो जाएगा। तो चलिए इन्हें हम लगा लेते हैं। और ये बटन के जगह पे आप शो बटन जो होते हैं मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, उन्हें भी ख़रीद सकते हैं, या घर में अगर रंग बिरंगे और कलरफुल बटन हैं तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं। अगर नहीं हैं तो आप इस तरीके से कपड़े के ही बटन तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये तैयार हो जाते हैं। कोई भी बटन ले लीजिए और जिस कपड़े को तैयार करना है बटन के लिए, इस तरीके से रखना है आपको और इस तरीके से हल्का सा उन्हें टाइट करिए और पीछे की तरफ से इनमें सिलाई लगा लीजिए, गट्ठी दे दीजिए और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लीजिए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे बटन्स रेडी किए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे साइड में 1 बटन लगा दिया है और इसी के नीचे मैं ये दूसरा बटन लगाने वाली हूँ, सेम इसी के नीचे थोड़ा सा छोड़ते हुए, और इसे हम यहाँ पर रखेंगे और फिर उल्टे साइड से हम इस बटन को लगाएंगे इस तरीके से, और इस कपड़े को हम ऐसे सीधा करेंगे, सॉरी उल्टे साइड में इस तरीके से। और ये है हमारा बटन, बस यहीं पे हम अच्छे तरीके से इसे सिल देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो ये देखिए 4 से 5 बार हमने इसे अच्छे तरीके से सिल दिया है और ये यहाँ पे बढ़िया से सेट हो चुका है। अब बस इसी के नीचे हम 3री बटन यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे 3ों बटन मैंने लगा दिए हैं। अब ये जो हमने 2 येलो बटन बड़े वाले रेडी किए हैं, इसे मैं यहाँ पे साइड में लगाने वाली हूँ इस तरीके से। तो यहाँ के भी 2ों बटन हमने लगा लिए हैं, अब बैक साइड में हमें लगा लेना है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पट्टी को लगा दूँगी और अब मैं यहाँ पे बटन लगा दूँगी। तो ये लीजिए, ये बटन भी रेडी हो गए हैं और ये हमारा कुर्ता बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा, बहुत ही कम कपड़े में, बचे हुए कपड़े से हमने ये बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाला 4 साल के बच्चे के लिए कुर्ती तैयार कर लिया है और ये बहुत ही आसान है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।